ऐतिहासिक जिला गिरिडीह, गिरिडीह के पीरटाण आंदोलन के धरती पीरटाण के इस खरपोका मैदान में, इस खरपोका के मैदान से हमने के बहुत पुराना और गहरा संबंध है। आज से ठीक 10 साल पहले हम पहली बार खरपोका के मैदान आए हली, तो हमने के याद है तो 2014 में हमने पहली बार खरपोका के मैदान आए हली और क्रिकेट खेले आए हली। एक वो टाइम हलो कि हम प्लेयर बन के आए हलियो, आज एक ही टाइम हो कि हम लीडर बन के आए हलियो। तो खैर खरपोका से हमारे बहुत गहरा संबंध रहले है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा याद कर पाए। मस्तान बड़ो जिंदा है ना, कमे हो जेमे हम के उड़ाने लगो। अच्छा डॉक्टर घर गए हो, तो आज इस कार्यक्रम को संबोधन करने से पहले हमारे बीच हमारे अभिभावक स्वरूप जितने भी गणमान्य लोग झारखंड के जनमानस, पीरटाण क्षेत्र के खरपोका गांव के जनमानस, उन्हें हम आदाब करते हैं, नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं। हमारे मंच के ठीक सामने बैठी है मातृशक्ति, उनका भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे मंच में मंचासी ने के प्रधान महासचिव फरजान खान जी, हमारे महासचिव दीपक महतो जी, हमारे वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी, हमारे प्रधान सचिव विकास कुमार हंसदा जी, हमारे सचिव दीपक रवानी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री अखलाक अंसारी जी, हमारे उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के मुंशी ब्रजा जी, और हमारे अभिन्न मित्र जो भविष्य में हमारे जेबी केसेस की बागडोर को बहुत मजबूती से थामेंगे, क्रांतिकारी बड़े भाई रिजवान अंसारी जी, और उनके साथ बहुत ऐसे नाम है जो हमारे संगठन के सक्रिय लोग हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और मैं अपनी बातों को रखने से पहले एक छोटी सी घटना जो खुर्शीद भाई ने हमको सुनाया कि हमारे इस कार्यक्रम का लोग लगातार यहाँ विरोध कर रहे थे, तो खैर मैंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो हमारे ही लोग हैं, तो मैं उन तक संदेश देना चाहूंगा। वे शायद सुदीप सोनू के दबाव में विरोध कर रहे थे, जो सके हमारे चाचा होंगे, हमारे अभिभावक होंगे, क्योंकि खुर्शीद भाई जिस कौम से आते हैं उस कौम की एक मान्यता है, एक सिस्टम उसमें, जिसे जकात कहते हैं। जकात का नियम है कि जिसमें लोग शायद अपना कुछ कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों को, अपने ऐसे लोगों को जो जिनकी जरूरत होती है उन्हें दान करते हैं। तो आज कि सुदीप सोनू के दबाव में हो सके मेरे चचा होंगे, मेरे अभिभावक होंगे, मैं उनसे ही पूछना चाहूंगा, क्या सुदीप सोनू जकात के नियम को मानते हैं? जकात का मतलब होता है कि अगर आपकी कमाई अच्छी है तो कम से कम अपने समाज के जरूरतमंद लोगों तक दान देना, उनके हिस्सेदारी देना। लेकिन सुदीप सोनू विधायक ने एक व्यापारी है, गिरिडीह के हर एक प्लांट में, हर एक फैक्ट्री में आधा हिस्सेदारी है। आप उस सुदीप सोनू के लिए हमारा विरोध करते हैं? जी हाँ, गिरिडीह में जितना फैक्ट्री है, अरे हम तो सुदीप सोनू पे बात ही नहीं करना चाहते थे। हम तो यहाँ 5 बार के सांसद रविंद्र पांडे से सवाल करने आए थे, हम वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी से सवाल करने आए थे, लेकिन आपके विरोध ने आज हमको सुदीप सोनू पे भी सवाल करने पे मजबूर किया कि आप विधायक हैं कि व्यापारी हैं। आप एक व्यापारी के लिए हम लोग का विरोध करते हैं? आज खुर्शीद भाई ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था महाराष्ट्र में, थे महाराष्ट्र में गए थे, गिरिडीह में लगभग 5000 फैक्ट्री है, इसी गिरिडीह के जिला में 5000 फैक्ट्री है, और खरपोका के खुर्शीद अंसारी, मुंसेब राजा अंसारी अगर महाराष्ट्र में अपना काम करते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, तो विधायक से सवाल बनता है कि नहीं बनता है? आज अगर बेटा महाराष्ट्र में है तो बूढ़ा पिताजी बगोदर में है, बेटा अगर गुजरात में है तो बूढ़ी माँ गिरिडीह में है, अगर बेटा हैदराबाद में है तो उसकी नवे नवेली दुल्हन पीरटाण में है। क्यों, क्या कारण है? ये कारण है सरकार की गलत पॉलिसी, ये कारण है कि जिन नेताओं को हमने चुनकर भेजा उनकी गलत नीतियां। आज पता कर लीजिए, बकायदा यहाँ मीडिया के गणमान्य लोग बैठे हैं, आज सुदीप सोनू से ही पहला सवाल कीजिएगा कि जब आप विधायक नहीं बने थे उस समय आपकी संपत्ति क्या थी, और जब आप विधायक बन गए आज आपकी संपत्ति क्या है?
आज इस देश में दिन प्रतिदिन अमीरों और गरीब के बीच खाई बनती जा रही है। आज हमें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हमें लीडर बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज इनकी गलत नीतियों के कारण आज हम लोग यहाँ तक आए हैं और हमें मौका मिला है। एक छोटा सा घटना भी हमको याद आता है, जब हम लोग पहली बार इस क्रिकेट के मैदान में आए थे, पहला ही साल फाइनल खेले थे, हमारा दो बच्चे ला था, मदाम हुसैन अंसारी, खालिद पता नहीं अभी किधर है, उठता है पीजीटी का एग्जाम लिखने का है ना। तो जब हम लोग आए थे अच्छा खेलते थे, बहुत अच्छा खेलते थे, तो एक फरीद नाम का कोई लड़का था जो नया अपोनेंट टीम का कैप्टन था, आके घर पोका के मुस्लिमों से सवाल किया कि बोला ये टाइगर तो महतो है, आप उसका सपोर्ट करते हैं, हम मुस्लिम है, हम का सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मस्तान बड़ो बड़ी अच्छा उत्तर दिए कि देखो खिलाड़ी जात धर्म का नहीं होता है, टाइगर अच्छा खेलता है और अच्छा नहीं वो साइकिल से आता है 20 किलोमीटर, तुम साइकिल से इसलिए तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। यानी आपने खिलाड़ी की जब बात आई तो कितना अच्छा उत्तर दिया कि खिलाड़ी का कोई जात नहीं होता, धर्म नहीं होता, तो क्या लीडर का कोई जात धर्म होना चाहिए? जो आज हमारे खरपोका में कार्यक्रम को रोकने की बात कर रहे हैं भाई, जब एक इसी ग्राउंड ऑर्डर दिया था, फरीद नाम था, मैं शायद मुझे नाम याद है इसलिए के कोई साथी थे कि भाई खिलाड़ी का जात नहीं होता है, खिलाड़ी का धर्म नहीं होता है, टाइगर अच्छा खेलता है, वो साइकिल से आता है, हाँ सपोर्ट करते हैं। तो आज एक लीडर का भी जात नहीं होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक डॉक्टर यदि गलती करता है तो एक आदमी का जान जाता है, एक मरीज का जान जाता है। एक इंजीनियर अगर गलती करता है तो कोई पुल अगर गिर गया तो 50 आदमी का जान जाता है। एक ड्राइवर अगर गलती किया तो 10 लोग सामने तो 10 लोग का जान जाता है। लेकिन अगर एक लीडर गलती करता है, जान जाता है नहीं जाता है, वो जीते जी मुर्दा बना देता है, जीते जी काले कानून बना के मुर्दा बना देता है। आज देखिए हसदेव में 10,000 लोग संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं, आज हसदेव जंगल बचाने के लिए 10,000 लोग में बैठे हैं, कहे ना एक लीडर गलती कर रहा है, वो लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी है। क्या गलती कर रहे हैं? ना अडानी को खुश करने के लिए पूरा पहाड़ बेच रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, डॉक्टर गलती करेगा पर मैनेज हो जाएगा, एक वकील गलती करेगा मैनेज हो जाएगा, एक इंजीनियर गलती करेगा मैनेज हो जाएगा, अगर एक लीडर कानून बनाने में गलती करेगा आने वाली पीढ़ियों का भी नाइंसाफी होगी। इस बात को याद रखिएगा। तो आज सबसे पहले चूंकि आप भली भांति जान रहे हैं सबिन बुझा कि हमने 2 साल से किस विषय में लड़ाई लड़ रहा है, हमारी लड़ाई है झारखंड की आइडेंटिटी, झारखंड की पहचान, जिस प्रकार बिहार में पहचान है कि बिहारी कौन है, पश्चिम बंगाल में पहचान है कि बंगाल का कौन है, गुजरात में पहचान है कि गुजराती कौन, उतना छोड़िए अभी हमारे बीच मुनसे भाई है, सराज भाई है, खुर्शीद भाई, ये लोग महाराष्ट्र से आए हैं। एक बात बताइए, आप लोग महाराष्ट्र में थे तो क्या आपको कभी लगा कि आप मराठी बन सकते हैं? खुर्शीद भाई आपको कभी लगा महाराष्ट्र में इतना दिन रहे, थोड़ा खड़ा हो जाइए। आज लोगों को जानना चाहिए कि हमारी लड़ाई गलत है कि सही है। आप उतना दिन महाराष्ट्र में रहे, रोजी रोजगार किए, हो सके भविष्य में आप वहां घर भी बना लेंगे, लेकिन क्या कभी आपको लगा महाराष्ट्र में रहने के बाद कि आप मराठी हुए? नहीं नहीं, कभी नहीं। जब ये इतना दिन महाराष्ट्र में रहे मराठी नहीं हुए, तो कल कोई आदमी एक भुट्टा जमीन कहीं ले ले, एक नौकरी कर ले, वो झारखंडी कैसे हो सकता है? वो कैसे झारखंडी हो सकता है बताइए? वो कैसे झारखंडी होगा भाई? आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, यहाँ सभी धर्म सभी जाति के लोग हैं, लेकिन चूंकि ये गांव मुख्य रूप से अल्पसंख्यक लोगों की आबादी है, आप अखबार के पन्ने पढ़ते होंगे, खासकर बगोदर की घटना आपके सामने बराबर आती होगी, वहाँ मजदूरों की लाश आती है प्रत्येक 15 दिन में, 15 प्रत्येक 30 दिन में एक बार आती है, हर एक दूसरी लाश एक अल्पसंख्यक की होती है, हर एक दूसरी लाश एक अल्पसंख्यक समाज की होती है, वो लाश कुवैत से आती है, वो लाश सऊदी से आती है, वो लाश अन्य प्रदेशों से आती है। भाई क्यों? हमारे पास 40% खड़ी संपदा है, हमारे यहाँ के पहाड़ों में कहीं पत्थर का माइंस है, हमारे यहाँ कहीं अभ्रक है, और धनबाद बोकारो में तो काला हीरा है।
यानी इतना खनिज संपदा होने के बाद भी अगर हमारे नौजवानों की लाश बाहर से अगर आएगी मजदूरी के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जो 23 सालों का सिस्टम जिन्होंने चलाया है उन पर सवाल खड़ा होता है। आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, अगर गिरिडीह के सांसद और गिरिडीह के विधायक इन कंपनियों से अगर चंदा नहीं लेंगे, इनका धंधा चंदे से चलता है, मैं पूरे विश्वास के साथ अपने हौस आवाज के साथ मीडिया बंधुओं के सामने इस बात को, यदि आज केवल गिरिडीह की बात करता हूं, जो गिरिडीह के सांसद है और गिरिडीह के विधायक है, अगर वह गिरिडीह की फैक्ट्रियों से कंपनियों से माइन से अगर चंदा नहीं लेंगे तो एक एक फैक्ट्री में अभी आज के डेट से 100 को रोजगार हो, एक एक को फैक्ट्री में 100 का रोजगार आज से होगा। मान के चले गिरिडीह में हम न्यूनतम मानते हैं कि 2000 फैक्ट्री होगा, ज्यादा हो सकता है, हम कम से कम 2000 मानते हैं। 2000 को 100 से गुना कीजिए, 2000 को अगर 100 से गुना करेंगे तो सीधे वो 2,00,000 बनता है। यानी आज के डेट में सोच सकते हैं कि नेता लोग चाहेगा तो कितना सुंदर मेरा झारखंड होगा। केवल गिरिडीह की फैक्ट्रियों से 2,00,000 का रोजगार सृजन होगा, बस वो चंदा का धंधा ना करे। अभी धनबाद का कोयला खदान तो बाकी है, बोकारो का गोमिया का बारूद कारखाना तो बाकी है, रांची का एचसी सिल्ली का हिंडाल्को और जमशेदपुर का टाटा अभी बाकी है। यानी इनके पास पॉलिसी नहीं है। आज जिस विधायक के कारण हमारे कार्यक्रम में आ चाहिए थी, पूछिएगा उनसे कि भाई हमने आपको विधायक बनाया था या व्यापारी बनाया था। आज भारी संख्या में यहाँ हमारी माताएं हमारी बहनें भी हैं। अच्छा तोनी एक बात बताओ, अगर में से कई वो मास्टर नहीं लगा डॉक्टर नहीं, मास्टर नहीं डॉक्टर नहीं, क्यों नहीं लगा तोनी की लगा हम बताए दे, तोनी लगा भात रंधनी आंगनबाड़ी में भात रंधा, सही बात लगे ना, तोनी आंगनबाड़ी में भात रंधा, के उर्दू स्कूल में भात रंधा, के इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में नहीं सरकारी, यानी तोनी सरकारी स्कूल में या तो आंगनबाड़ी में भात रंधा। हाँ दो चार को आंगनबाड़ी के सेविका लगा, कितना महीना मिला, 3,000, 2,000, 1,000 रुपया। यानी जो झारखंड के खाटी महिला जकर बाप दादा के खून से झारखंड बना लाए, सरकार अपने की बनवा लाए भात रंधनी आंगनबाड़ी में, और जकर यहाँ एक बिट्टा जमीन लाए जकर बाप दादा के नाखून ने उखड़ा लाए, आज अपने मास्टर नहीं बन के राज में कब जाकर रहा है, गलत है कि ना है बताओ। फिलहाल पढ़े मेरे को बहाली आया होगा, उसे पूछा आप कहाँ से है, बोला हम राजस्थान से, लड़की का इंटरव्यू लिया गया नौकरी कर रही है झारखंड में, बोला कहाँ से है, बोले हम राजस्थान से, राजस्थानियों को नौकरी देने के लिए झारखंड बना, एको बोली हम औरंगाबाद से है, औरंगाबाद वालों को नौकरी देने के लिए झारखंड बना, एको बोली हम बनारस से है। हमें उस बहन से कोई शिकायत नहीं है, हमें शिकायत उस राज्य सरकार से है जिसको हमने वोट देकर चुनने का काम किया। अरे हमारी माताएं हमारी बहनें भात्रंद नहीं बनेंगे, ये आंगनबाड़ी की सेवा करेंगे, और बाकी लोग कोई वकील बन के आएंगे, कोई मास्टर नहीं बन के आएंगे, कोई डॉक्टर नहीं बन के आएंगे, हम इन्हीं नीतियों का विरोध करने के लिए आए हैं। आज हमें इस बात को समझना होगा, नहीं तो आने वाला दिन हमारी आने वाली पीढ़ी कहीं का नहीं रहेगी। आज जितनी भी बहाली आई, आप एक एक को बहाली उठाइए, इंजीनियर की बहाली आई, जो जनरल कोटा था 93% बाहर के लोग, टीचर की बहाली आई थी, और चूंकि गिरिडीह है, गिरिडीह और गोड्डा में 52 को टीचर था, 48 को यूपी बिहार राजस्थान का आदमी, देखिए सीएचओ का 17 को बाहर से। तो एक बात बताइए, झारखंड राज अलग कहे हो, घास कूद के ले कि घंटी बजवे ले, हर एक बहाली को आप देखिए। अच्छा एक बात बताइए, सभी इनके घरे किधर पुत्र है ना, पढ़ाई लिखे ले भेजा कि नहीं, पढ़ाई लिखे गले हजारीबाग रांची धनबाद बोकारो भेजा कि नहीं। आज चूंकि हम लोग पढ़ल लिखल छात्र लगे,
आज बहुत दुख के बात है कि एक एक गो छात्र 10 साल 15 साल एक हॉस्टल में तैयारी करा है, तैयारी करते करते अगर पेटवा आधा बाहर हो जाए तो फूल जाए, आंख में चश्मा लग जाए, ककरो चूल दो चार गो सफेद हो जाए, ककरो आधा झड़ जाए, लेकिन जब बहाली आव है पता चले पेपर लीक हो गए, पता चल है कि 20 लाख में सीट रचाए गए, दर्द है कि ना है। यह दिन खातिर झारखंड हमनी पूर्वज लड़के लले, यह दिन खातिर आज हमनी बलिदान देलिए, तो सही खातिर देखा एक लीडर यहाँ हर धर्म के माने वाला लोग है, जब भी कोई हमने ऊपर संकट आवा है तो हमने अपन धर्म के माने वाला पीर फकीर या पुजारी ही ना जहा, हमने कानून के मदद लेहा लेहा कि ना, और कानून बनवे वाला के भी है ना सदन में, कानून बनवे वाला विधानसभा में, अगर वहां हमने के नेता चुन के ना जीतो तो हमने के साथ कभी इंसाफ ना भेटो। अब बात चूंकि हमने बात करा रहे लोकसभा के कि भाई दिल्ली किस मुद्दे के साथ जाना चाहिए, एक बात सीधा जान ले, यहाँ जितना भी लोग उपस्थित है जितना जान जुटले है, जे साधु संत पीर फकीर नाय लगा, जे घरेलू गृहस्थ जीवन जी रहा, अपन 20 साल तक पढ़ाई लिखाई 24 साल तक, ओकर बाद अपन पूरा जवानी खर्चा कर दे दू पैसा कमवे में, यानी पैसा कमाना माने संपत्ति अर्जित करना, इंसान के दुए को संपत्ति भेवा है, संपत्ति दो प्रकार के भेवा है, एगो बोला है चल संपत्ति एगो अचल संपत्ति, चल संपत्ति यानी ये मोबाइल, ये मोबाइल चल सकलो यानी चल संपत्ति, तो मोबाइल या कोई चोरी कर सकलो कि ना, कोई चोरी कर सकलो, चल संपत्ति मतलब तर गर्दन में जो सोना चांदी के हार हो वो भी कोई चोरी कर सका लो, चल संपत्ति यानी तर पॉकेट में जो बटवा और अगर में जो लाख दो लाख पैसा हो ये भी कोई चोरी कर सका लो, लेकिन एक एक संपत्ति हो जो कोई माई के लाल नहीं चुरा सका लो उतर अचल संपत्ति तर जमीन के टुकड़ा, लेकिन जमीन के टुकड़ा भी तो कोई चुरा सका लो, क्या चुरा सका लो सरकार कैसे चुरे, तो मैं एक नियम पारित कर दलो कि यहाँ से यहाँ तक एक सड़क बनेगी, यहाँ से यहाँ तक एक तोरा की मुआवजा मिल लो, एक डिसमिल के दे दलो 3000 रुपया, एक एकड़ में 100 डिसमिल 100 के 3000 से गुना करवाए तो शायद 3 लाख, यानी तोर बाप दादा के सारा संपत्ति 3 लाख में खत्म भाई, चल तोरा 3 लाख पैसा हम थरा दिलियो, तोर हाथ में तोर जमीन के 3 लाख रेट हम तोरा दे दिलियो, आ तोरा बोलियो जो ग्रीडी के बाजार में आप जमीन ले ली है, बताओ 3 लाख में तुम कितना जमीन खरीद ले, बहुत गंभीर बात बोला यो, अगर तो यहाँ अपन वोट के प्रयोग 5 किलो अनाज खातिर कर भी तो गरीबे ना रहे, तोरा 3 लाख मिल गलो तोर जमीन में सड़क पार रहो, 3 लाख तोरा एक एकड़ के मिल गलो, बताओ तो उस 3 लाख से बदले में कितना जमीन खरीद ले गिरिडीह में, शायद 1 डिसमिल, मात्र 1 डिसमिल, और तोर जमीन कितना गलो 100 डिसमिल, यानी अगर अच्छा लीडर अगर ना चयन कर ले, एक अच्छा अगर नेता ना चुन ले, चूंकि खरपोटा एक ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ माइंस ना है, यहाँ कोल ना है, तो शायद तोहनी के उस दर्द से उस पीड़ा के अनुभव ना भेलो जे चंद्रपुरा बेरमा में तोहनी समाज के लोग के हो, समधी सरोजी ने कहना सा समधी समझान आता है ना, फोन करके पूछिया कि वहाँ की कंडीशन है, अभी ही ये पारसनाथ के मुद्दा गरम हलो, जकर में चंद्र प्रकाश चौधरी अपन लेटर में लिख के दे दलो कि पारसनाथ पहाड़ फलना लोग गाय नाम लिए जरूरत ना है, एगो फलना समुदाय जकर देश में 1% आबादी ना हो आधा टाका अपने ठीक हो। अच्छा एक बात बताओ, वीडियो सीओ नौकरी काहे कर, अरे देशभक्ति प्राइमरी चीज लोग के लिए भले दिखावा है, पहला चीज है पैसा कमाना, इस बात को मानिए, देशभक्ति की आड़ में आप प्रैक्टिकली होने से मत चुकिए, यानी वीडियो सीओ बनता है पैसा कमाने के लिए, मेहनत करता है घुसो देता है, अब इसमें हम वीडियो सीओ का बुराई नहीं कर रहे, अब यदि गुजरात का कोई बड़का सेठ मधुबन थाना का थाना प्रभारी को या फिर अगर वो पीर टाड़ क्षेत्र है तो पीर टाड़ के सीओ को उसका
जितना सरकारी पेमेंट उसे पैसा दे देगा तो जमीन सब गुजराती लोग को लिखेगा कि नहीं लिखेगा, या फिर पंडित उनके नाम से चढ़ाएगा कि नहीं चढ़ाएगा। वहां अगर कोई महिला हल अगर प्रधानमंत्री आवास मिल हलय फॉरेस्टर अगर जमीन तोड़ दल, अब बताओ क्या दोषी है? प्रधानमंत्री आवास बनले है यानी सरकारी आवास बनले है, यानी जे ओकरा जमीन पहले दे सरकारी आदमी होते ना, यानी अगर तुम तो गरीब है कमजोर है तो तर घर बनलो वाले जुट जीतो। यदि फॉरेस्टर तो फॉरेस्टर के पॉइंट में एक नंबर करवे वाला क्या बैठा है सदन में? प्रधानमंत्री के बगल में एमपी बैठा है, एमपी फोन मारता है तो बाप बाप करता है, लेकिन एमपी अटैची भर के पैसा ले तो पीएम आवास तोड़ दला है, तो पीएम आवास प्रधानमंत्री बगल में सदन में क्या बैठा है? एमपी बैठा है ना, तो एमपी अगर एक कॉल मारतला है फॉरेस्टर के औकात ना हल, औकात हल ना हल तो सही खातिर आज, चूंकि इस बात के तो नहीं माना, आज अगर झारखंड में अन्याय शोषण नहीं रहता है तो हमने कल पढ़े लिखे वाला गिदर सब यहाँ तक ना आए, आज अगर हमने यहाँ तक आ लिया अपन पहचान बना लिए तो कहीं ना कहीं झारखंड के साथ जो अन्याय जुल्म हल है और हिसाब में रह। आज तो वीडियो के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से तो नहीं देखा लगा, अगर कोई कोलियरी साइड में अगर जीएम के दफ्तर में हमने ढुकाए तो जीएम बाप बाप कर उठा है, बिना पद में बिना पावर में। तो सोच के रखा जन दिन अगर हमने दिल्ली या रांची तक पहुंच लिए, अब एक सवाल है बना है बहुत कई कर चेहरा सब की करते ज्यादा करे जरूरत ना हमने, बस ढंग से काम चलाना है। अभी उदाहरण के लिए अभी जिस माचा में हमने खड़ा है, माचा बोला है कोई मंच बोला है कोई स्टेज बोला है, गांव में देखिए वो चबूतरा भी इसने सरकारी फंड से हुआ है, चबूतरा बना है ना एक, अच्छा याद हो चबूतरा के सरकारी रेट कितना है याद हो? 2,55,000 2,55,000 दादा देख ले हो कहीं, यानी एक चबूतरा इतने हाइट रहा है इतने मेटेरियल लगा है 2,55,000। अच्छा पीएम आवास जो मिला है ओकर रेट कितना है? 1,40,000। अच्छा एक बात बता चुके यहाँ राजमिस्त्री के काम तो नहीं कर रहा ना, तो चबूतरा बनने में पैसा ज्यादा खर्चा रहता है कि पीएम आवास बने में? पीएम आवास, लेकिन पीएम आवास के दाम कितना हो? 1,40,000 और चबूतरा के दाम हो 2,50,000 का है ना। पीएम आवास जनता के बना है, चबूतरा तो जंगलों में बना है सब वीडियो सीओ के अगर मैं कमीशन रहो तो बस केवल हमने ओकर कमीशन के रोक दिया जीता है, ओकर घोटाला के अगर रोक दिया जीता है तो उस पैसा के हमने कोई योजना में कोई अस्पताल बनवे में कोई विद्यालय बनवे में कोई उद्योग की स्थापना करे में खर्चा कर सकल ये कि नहीं सीधा बताओ? अभी मान के चल तो नहीं सुन लिया बा कि जितना भी हमनी के मंत्री हो अपनी के 67 करोड़ में घर बन लो तो 67 के तनी गुना भाग कर रखा, जब हम 72 कर दे यार 72 के 24 से डिवाइड कर दे, 24 को जिला है यानी 24 के 24 24 दुनिया 48 24 दिया 72 यानी एगो जिला के 3 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो 3 करोड़ में एगो कोई बड़ा योजना भाई सकल है कि नहीं? यानी आइडिया केवल आपके पास आइडिया होना चाहिए, केवल अगर अपने अपन घर नहीं बने तो ऐसे भी अपने जब वोट दे ले हलिए आज यदि घर ना है तो हमने ईटा बास लेके छाते ले गई यानी नीति बोले दे और नियम। जिस दिन झारखंड के नेता के सही भाई जीता है झारखंड सबसे खुशहाल प्रदेश है। आज बहुत कोई झारखंड के जब हमने बात करे 1932 के खतियान के बात करे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये तो अंग्रेजों के टाइम का कानून है, इसे आप झारखंड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो एक बात बताइए, भारत के पास भारत का क्या है? क्योंकि इससे पहले हमारे जो नेतृत्व करता थे उनके पास या तो कहिए संविधान की जानकारी या तो फिर कहिए आसपास के इतिहास की जानकारी नहीं थी, इसीलिए सवाल का उत्तर नहीं देते थे। आप मीडिया वाला के पूछे ना नेशनल मीडिया, हम लोग सवाल का उत्तर देंगे कि यदि 1932 अंग्रेजों का कानून है तो भारत के संविधान में जो प्रीएम्बल है वो कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया।
हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। हमारे पास जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस से लिया गया है। राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। संघीय ढांचा कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। जब इतना चलिए रहा है तो 1932 का खत्यान काहे नहीं चलेगा? अरे उतना तो छोड़िए, डीसी को तो सभी जानते हैं, डिप्टी कलेक्टर जो हमारे गिरिडीह में है, देखिए उनसे हमारे कोई शिकायत नहीं, वो झारखंड के ही हमारे बड़े भाई समान है। लेकिन हम एक उदाहरण देंगे कि भाई कलेक्टर कहाँ से आया है। जो लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों का कानून है, अंग्रेजों के टाइम का कानून है, तो बताइए कलेक्टर कहाँ से आए हैं? अरे भाई कलेक्ट के मतलब की व्यवहार है, इकट्ठा करना। कलेक्ट के मने की तो की इकट्ठा करना। अंग्रेज के टाइम में जब गांव गांव जाके जमीन के रिवेन्यू इकट्ठा करना, लगान लगान बुझाना, यानी लगान उठे इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करना, जकरा को अधिकारी डिपुट करल हलय ओकरे कलेक्टर बनल गेल हलय। अभी भी कलेक्टर चल रहा है कि नहीं? अब आवे वो कमिश्नर जे हमने के हजारीबाग में हो, हजारीबाग हमने सबके प्रमंडल, प्रमंडल में वो कमिश्नर बैठा है, बैठा है ना। तो कमिश्नर के मतलब की न कलेक्टर ने जो पैसा कलेक्ट किया है, कलेक्टर ने जो चंदा कलेक्ट किया है, उसमें कमीशन लेके काम करने वाले को कमिश्नर कहते हैं। कमिश्नर कहाँ से आया भाई? कमिश्नर वर्ड कहाँ से आया? कमीशन से आया, कमीशन। तो कमीशन वीडियो के कमीशन, सीओ के कमीशन, थाना प्रभारी के कमीशन, मुखिया के कमीशन, सरपंच के कमीशन, विधायक के कमीशन, एमपी के कमीशन, तो है कमीशन को खाने वाला को कमिश्नर बोला गया है। आज भी भारत देश में कमिश्नर चलता है। अरे अंग्रेजों की व्यवस्था कलेक्टर चलता है, अंग्रेजों की व्यवस्था कमिश्नर चलता है, तो 1932 का खतियान भी चलना चाहिए। अब हम दो चार को देख रहे हैं, हमारे पुलिस के जवान भी आए हैं भाई लोग। खैर आप लोग को जोहार, सब झारखंडी है, लेकिन एक उदाहरण देंगे। पुलिस क्यों बना? पुलिस की जरूरत क्यों पड़ी? आप इतिहास को पढ़िएगा, इतिहास को समझिएगा। जब कलेक्टर यानी डीसी और कमिश्नर जब किसान से चंदा वसूली करता था, किसान को मारता पीटता था, उसका अनाज को कब्जा करता था, उसके घर में उसके खेतों में जो अनाज उगता था या फिर जो भी उसका सोना चांदी होता था वो कलेक्ट करता था, तो दो चार को किसान हुरमुट होता था, मारता पीटता था। यानी कलेक्टर को मारता पीटता था, कमिश्नर को मारता पीटता था, इन लोग बोला देखिए सब काम हमसे नहीं होगा। दो चार को किसान हुरमुट है, इन लोग लाठी डंडा से लड़ने लगता है, बोला टेंशन मत लो, हम लोग एक व्यवस्था बनाएंगे जो कलेक्टर और कमिश्नर की रक्षा करेगा, उसको पुलिस बोला गया। तब क्या हुआ? तब भारत देश में कानून बना, इंडियन पुलिस एक्ट 1861। क्या कानून बना? इंडियन पुलिस एक्ट 1861। और पुलिस को क्या काम मिला? खैर हमारे भाई, इनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है, हमारे गांव के ही है, लेकिन इतिहास को जानना होगा। उनको यह काम दिया गया कि आपको कलेक्टर को बचाना है, आपको कमिश्नर को बचाना है, और आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाना है। ईमानदारी से बोलिए, आज भी कलेक्टर, आज भी कमिश्नर और ईस्ट इंडिया कंपनी को पुलिस बचाती है कि नहीं बचाती है? आज की बात कीजिए, आज 150 साल बाद की बात कीजिए। आज जाइए किसी फैक्ट्री में ताला बंद कीजिए, पुलिस पहुंच जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने कंपनी, चाहे टाटा की कंपनी रहे, वेदांता की कंपनी रहे, उषा मार्टिन की कंपनी रहे या अडानी की कंपनी रहे, आज वहां आप स्ट्राइक कीजिए, पुलिस पहुंच जाएगी। यानी जो 150 साल पहले अंग्रेजों के टाइम में जो पुलिस का काम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाना, कलेक्टर को बचाना, कमिश्नर को बचाना, आज वो वही काम करती है कि नहीं? यस या नो? अगर आपको लगता है नहीं, तो चलिए टुंडी में हाथी घुसा है, नवाडी में हाथी घुसा है, कहिए पुलिस लोग रखवाली करेगा? कहे भाई, यदि आम व्यक्ति के लिए पुलिस बना है तो मेरा घर तोड़ा जा रहा है,
मेरा गांव तोड़ा जा रहा है, मेरा खेत उजाड़ा जा रहा है, वहां पुलिस का है नहीं। लेकिन पुलिस वालों कोई कसूर नहीं है, कानून का कसूर है। ये कानून ही बना है पूंजीपतियों को बचाने के लिए, ये कानून ही बना था ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाने के लिए, ये कानून ही बना था कलेक्टर और कमिश्नर को बचाने के लिए। वे वही काम कर रहे हैं आज भी। नहीं, अब लोग सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं नहीं कंपनी टैक्स देती है, तो हम बोले किसान का खेत टैक्स नहीं देता है क्या? हमें तो रसीद कटाते हैं। किसान का खेत टैक्स नहीं देता है क्या? अरे हम भी तो रसीद कटाते हैं। तो वास्तव में अगर भारत का संविधान, भारत की कानून अगर किसानों की बात करती है, तो जब किसान खेती करे उसमें जंगली सुअर घुसे, उसमें हाथी घुसे, पुलिस और डीएसपी को वहां भी जाना चाहिए। कभी गया है? क्या मतलब है इसका भाई? क्या मतलब है इसका? इसका यही मतलब है कि अंग्रेजों ने जिसके लिए कानून बनाया था वही कानून आज भी चल रहा है। जब इतना सारा चीज आज चल रहा है तो 1932 का खतियान भी चलना चाहिए। आइए ना डिबेट कीजिए ना, कौन डिबेट करता है? अरे इनको चुंगू मुंगू लोगों को कहा बैठाते हैं? कलेक्टर और कमिश्नर को हमारे बगल की टेबल में बैठाइए। कौन तो से पढ़ते थे? बढ़ाइए उनको। जब सारा नियम अंग्रेजों का चल रहा है तो फिर 1932 खतियान कहे नहीं चलेगा? कहे नहीं चलेगा बताइए? क्यों नहीं चलेगा? नहीं इसलिए नहीं चलेगा कि झारखंडियों को लूटना है, यहाँ के कोयले को उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, राजस्थान में बेचना है। अभी रास्ता में हम आ रहे थे, गोड्डा से बांग्लादेश एक आदमी, एक बड़े भैया मिले, वो भेल में काम करते, भेल अब समझते हैं ना, भारत सरकार जो आपका बिजली के काम को देखती है, जो आपका थर्मल का जो काम होता है उसको देखती है। उन्होंने हमको बताया कि केटीपीएस कोडरमा में 1000 मेगावाट का बिजली उत्पादन हो रहा है, जिसमें 500 मेगावाट जाएगा दिल्ली को, 300 मेगावाट जाएगा बंगाल को, 200 मिलेगा झारखंड को, इसीलिए 1932 लागू नहीं होने दे रहा है। समझ रहे हैं बात को? हम और आपको क्या चाहिए? 5 किलो चावल चाहिए। हमको आपको क्या चाहिए? हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान चाहिए। और दिल्ली को 500 मेगावाट जाएगा, 300 मेगावाट बंगाल को जाएगा, और झारखंड झुंझुना बजाएगा 200 मेगावाट लेके। जिसका जमीन, जिसका जमीन, जिसका कोयला, जिसका पानी, उसको 200 मेगावाट का बिजली मिलेगा। तो आज ही नेता लोग का हालत गाय खराब है पता है? नहीं नेता नहीं, पढ़ा लिखा है जी, धोती खोल के रख देता मुझे लिखा दीजिए हमको। हमारी बात एक सेक्रेटरी लेवल के आदमी से हो रही थी, हम लोग छोटा बच्चा है मानते हैं, हमारी बात एक सेक्रेटरी, सेक्रेटरी समझते हैं ना, आईएएस, तो बात कभी कभी हो जाती है टेलीग्राम में, लोग ऑनलाइन फोन करता है, कुछ कुछ जानकारी देता है, झारखंड की भावना है। हम बोले सर एक बात बताइए कि हम लोग के बारे में नेता लोग गंभीर है कि नहीं? बोला देखो बाबू, भले इन लोग को लगता है कि तुम लोग थोड़ा नया नया है, लेकिन इस बात का डर है कि लोग सर धोती खोल दिया है, हम लोग का सारा पोल खोल दिया है, हम लोग को कहीं का नहीं छोड़ा है, मीडिया के सामने कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा है। ये सेक्रेटरी लेवल का जब चर्चा होती है तो हमारी चर्चा इस कदर होती है कि लोग इतना जानकारी दे दिया झारखंड को, इतना 2 साल में लोग पिला दिया कि झारखंड के एक बच्चा नियम कानून का बात करता है और विधायक लोग का धोती खोल। तो आज चूंकि हम लोग नेतृत्व की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात समझ में आई, पलायन की बात समझ में आई, 1932 के खतियान की बात समझ में आई, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं इसे पीरकांड का क्षेत्र कहा जाता है, इसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। पागल हमारा बना क्या गिरिडीह के एमपी में या गिरिडीह के एमएलए में इतना हिम्मत है कि नक्सलिज्म पर वो खुला टेबल टॉक करे? हिम्मत है गिरिडीह के एमपी में, गिरिडीह के एमएलए में इतना साहस है कि वो नक्सल पर अपनी राय रखे? जिगरा चाहिए, क्योंकि पीरटार नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। आज हम पीरटार में खड़े हैं तो हम ये तो आपको वचन देते हैं कि यदि भविष्य में हम लोग सरकार में आए तो आज जो लोग नक्सल, जिनको नक्सल कहा जाता है और जिनके हाथों में जो बागी बन के हथियार उठाते हैं, हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे उन्हें हल थमाएंगे।
उनसे खेती करवाएंगे। अब सवाल उठता है कि नक्सली, यहाँ देखिए जितने लोग पुलिस कर्मी हैं, ये मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। अगर ये अडानी अंबानी परिवार के होते या किसी अरबपति परिवार के होते, हम लिख के बोल देंगे, इनका बाप बोलता है सब करिए पुलिस के फॉर्म नहीं भरिए, पूछ लीजिए जाके। प्रैक्टिकली बात कीजिए, प्रैक्टिकली, इमोशनली बात नहीं करना है, प्रैक्टिकली सोचिए। आज जितने भी पुलिस के बंधु हैं सब हमारे गांव घर के हैं, सब किसान परिवार से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं। अगर ये किसी अरबपति का बेटा होते, इनका बाप बोलता कुछ भी कर लिया बेटा पुलिस के फॉर्म नहीं भरी। सच्चाई है कि नहीं है बताइए। यानी पुलिस का फॉर्म वही भरता है जो किसान का बेटा होता है, पुलिस का फॉर्म वही भरता है जो मिडिल क्लास फैमिली का बेटा होता है। जाइए सबसे पूछ के आइए, अगर नहीं है सच्चाई तो कल से हम भाषण देना छोड़ देंगे। अब देखिए, अब सिस्टम को देखिए, एक तरफ नक्सलिज्म, एक तरफ सीआरपीएफ। मान के चलिए कभी अगर इनके बीच मुठभेड़ हुआ बराबर होता है, या तो पुलिस वीरगति को प्राप्त हो या फिर किसी नक्सली की जान जाए। दोनों का बैकग्राउंड पता कीजिएगा, दोनों एक मिडिल क्लास फैमिली का, गरीब लाचार का, एक किसान का बेटा होता है। दोनों तरफ पूरे भारत में हिम्मत किसी का नहीं है इस बात में खुल के बात करे, कोई मरे, अगर वो सैनिक है, सिपाही है, अगर वो वीर गति को प्राप्त करता है, उसका भी बैकग्राउंड एक लो क्लास फैमिली का होता है, और जो नक्सली उधर ढेर हो जाता है उसका भी बैकग्राउंड एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर क्लास फैमिली, एक किसान का बेटा होता है। तो भाई दोनों लड़ता क्यों है, लड़ता क्यों है सुन लीजिए। एक पढ़ा लिखा नेतृत्व और पढ़ी लिखी जनता ही नक्सलवाद को कंट्रोल करेगी, बाकी कोई कानून नक्सलवाद को कंट्रोल नहीं कर सकता है। अभी मान के चलिए गिरिडीह का सांसद कोई रहे, एक्स वाई जेड कोई चुनाव लड़े, मान के चलिए 2000 बूथ पड़ता है, एक बूथ में 10,000 उसका लीगल खर्चा होता है, जो बूथ खर्चा हम लोग बोलते हैं प्रचार में, और ये मुखिया सबके अभी नियम चला है 5-5 लाख तो अलगे है। यानी एवरेज नहीं करने से भी एगो एमपी एक सीट में कम से कम 30 करोड़ एवरेज खर्चा करता है, 50 करोड़ खर्चा करता है एक एमपी, जो जीता वो भी और जो हारा वो भी, जो तीसरे नंबर में रहा थोड़ा कम। यानी एक सीट में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि हम लोग सिर्फ विधायक सांसद बनने नहीं आए हैं, हम व्यवस्था को बदलने आए हैं, लोगों को उनकी विचारधारा को बदलने आए हैं। यानी एक सीट में एवरेज 1 अरब का खर्चा होता है, एक सीट में एक एमपी चुनाव में 1 अरब होता है। चुनाव आयोग का मत देखिएगा, 60,000 करोड़ चुनाव आयोग का अलग खर्चा है, बैलेट में, चुनाव में, कैंपेनिंग, वो खर्चा नहीं, नेताजी का खर्चा है। अब भारत देश में 543 जगह चुनाव होता है, एक सीट में 1 अरब, तो 543 सीट में 543 अरब, 543 अरब रुपया एवरेज खर्चा होता है लोकसभा चुनाव में। अब बताइए नेता लोग, ये सांसद लोग अपना बाप का खेत बेच के पैसा देता है? जी नहीं, ये लोग चंदा लेता है, किससे लेता है, कभी अडानी से लेता है, कभी वेदांता से लेता है, कभी टाटा से लेता है, कभी आदित्य बिरला ग्रुप से लेता है, कभी लोग बजाज से लेता था, चंदा लेता है। अब मान के चलिए नेताजी को तो हमने चंदा में नेताजी खर्चा किए थे, हमको भी दिए थे, हमने तो वोट दे दिया। अब क्या होगा, जिन्होंने इनको चंदा दिया है वो चंदा कहाँ से वसूलेंगे? तब बोलेंगे हमको फैक्ट्री लगाना है खरपोका में, यहाँ से लेकर एमयू बनाइए, ये जमीन हमको चाहिए। ये जो परासात का पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ चंदन की लकड़ियां पाई जाती है, माइंस के नाम पर हमको दीजिए। हसदेव पहाड़ उसी का उदाहरण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा पैसा अडानी से लिया है, आज अडानी के लिए 10,000 लोगों का वहां कत्ल किया जाएगा। क्या गलत बोल रहे हैं? यही है नक्सली बनने की कहानी, यही है पीरटार की कहानी, यही है मधुबन की कहानी, यही है मिसिर बेसरा और अजय महतो की कहानी। चलिए हमको बोलने दीजिए, एक सवाल दीजिए हमको।
इसलिए अगर आप कंपनियों के लोग चंदा नहीं लेगा, अगर फैक्ट्रियों का चंदा नहीं लेगा, तो कोई मैं का बेटा नक्सली पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो खेत उसका होगा, उस किसी नेता के और किसी कंपनी के बाप का नहीं होगा। आपको वो दर्दनाक घटना सुना रहे रामगढ़ और पेट्रवार का, वहां तीन वो सड़क बना है। एक आदमी, चूंकि सड़क के किनारे 1 लाख जमीन का रेट होता है, आप भी जानते हैं मोटा मोटी 50,000-1 लाख, 30 लाख में वो जमीन खरीदा। कितना में खरीदा? 30 लाख में, चूंकि सड़क के किनारे था। अब वहाँ सरकार का रोड पास हुआ तो सरकार तो 1 लाख नहीं देगा, सरकार सर्किल का आंकड़ा देखेगा कि सर्किल में रेट क्या है। उस सर्किल में रेट था 16,000। आप बताइए वो इंसान नक्सली बनेगा या पूरा परिवार के साथ आग लगा लेगा या मने खाना के साथ जहर पी लेगा। 30 लाख खर्चा हुआ था जमीन खरीदने में और उस जमीन को सरकार ने कितना में लिया? 3.5 लाख में। कहे मैं सदन में आपका लीडर नहीं है, सदन में आपका लीडर नहीं है। अगर आपका लीडर होता तो सड़क के बीच आगे खड़ा हो जाता, जहां बुलडोजर चलता उसके बीच खड़ा होता और बोलता पहले उचित मुआवजा लगाओ, मुआवजा लगाओ। लेकिन चूंकि लीडर लोग चंदा लेता है, 5 लाख 10 लाख चंदा लेता है, इसलिए आज हमारी ये स्थिति है। 2024 5 किलो अनाज में नहीं और दिए के हो तो कह दे हमारे बेटवैन के कहीं नौकरी लगाए दे दे दो। हमें आपत्ति नहीं, हम लोग को वोट उठने चाहिए, लेकिन अगर आपको वोट को बेचना ही है, यार वोट का पावर को समझते हैं इसमें क्या है? आप लोग वोट के पावर को ही नहीं समझते हैं। ये वोट का पावर है कि आज इस देश में एक अखबार वाले शख्स को और एक चाय बेचने वाले शख्स को हमने सर्वोच्च गद्दी पर लाया है, और आप अपने वोट को 5 किलो अनाज में बेच रहे हैं, आप अपने वोट को 500 रुपए के नोट में बेच रहे हैं। बेचना ही है तो अच्छा सौदा कीजिए ना भाई, कौन मना किया है? हम लोग खरीदार नहीं है, जो लोग खरीदार है अगर बेचना है 24 में अपने वोट को तो 500 में नहीं, कम से कम एक एक वोट को 5-5 करोड़ में बेचिएगा। जो देता है ले लीजिए, जो देता है ले लीजिए, लेकिन इतना कहेंगे आपका वोट का कीमत 500 नहीं है। कहे पता है, जाके पता कीजिए, यहाँ के 5 बार के सांसद रविंद्र कुमार पांडे कम से कम 300 हैवा है। वोट दिया वाला सब आपके पास क्या कह दो है जी? अरे एक एक को मांगते कि नहीं? 300 हैवा है 5 बार के सांसद का, कम से कम उनका 2400 जिला में घर है, आपको एक एक गोहेबा मिला कि नहीं? तो इसलिए अभी जो भी सांसद में आएंगे पहले उनको जानिएगा उनका करेक्टर क्या है। अगर उसके पास 300 हाइबा है तो बोलिएगा 300 अगर आपके पास हाइबा है तो कम से कम आपके जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 300 गांव आता है, एक गांव में एक एक को दे दीजिए। आपको क्या मिलेगा, जनता को क्या?